नमस्कार, मुँ तृप्ति। आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आज का जो स्टोरी है उसमें मैं आपको तीन चीज़ बताऊंगी जो हमारा जीवन का एक आधार है। मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से ही बताऊंगी, तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। तो क्या हुआ, एक राज्य में बहुत ही प्रतापशाली राजा थे, ठीक है। उनका बहुत ही सुंदर सी एक राजकुमारी थी और वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही दयालु थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी बेटी के बारे में, अपने भविष्य में क्या होगा उसके बारे में जानने के लिए पंडित को बुलाए थे। तो पंडित आए, जैसे राजा ने पूछा कि भविष्य में मेरा क्या होने वाला है, आप कुंडली देख के बताइए कि भविष्य में मैं क्या करूं जिससे मतलब कोई परेशानी ना हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी ने तो बोले, ठीक है मैं तुम्हें तीन चीज़ बताऊंगी जिसको तुम करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है सब दूर हो जाएगा। राजा ने बोले कि ठीक है फिर आप बताइए मुझे। तो उस टाइम पंडित ने बोले कि मैं ये जो तीन चीज़ आपको बताऊंगी उसके लिए मुझे 3,00,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा थोड़ी देर सोचे, फिर बोले कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बताइए। तो पंडित ने पहला बात बताया कि आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के जैसे टहलना है, जैसे हम अभी बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक बोलते हैं, उसी तरीके से करने के लिए उनको बोले। तो राजा ने बोले हाँ ठीक है, फिर बोले कि दूसरा चीज़ क्या है। तो पंडित ने बोले कि दूसरा चीज़ ये है बच्चा कि तुम्हारा जो भी शत्रु है उसको हमेशा अपने मित्रों की तरह ही देखना। राजा फिर थोड़ी देर के लिए सोचे, बोले कि हाँ ठीक है, वो तो पंडित को बहुत मानते थे। तो फिर बोले, फिर पंडित जी तीसरा बात क्या है। तो पंडित जी ने बोले कि तीसरा बात ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए उस समय तुम थोड़ी देर सोचना, कोई भी निष्पत्ति लेने से पहले थोड़ी देर सोचना जरूर, उसके बाद जो कार्य करना रहेगा उसको करना। तो राजा बोले ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी ने तब बोले कि मुझे अभी स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मैं तुम्हें 1 हफ्ता का समय देती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी और मैं तुमसे वो स्वर्ण मुद्राएं लूँगी। तो बोले हाँ ठीक है। तो फिर अगले दिन राजा पूरा एकदम सुबह उठ गए, जैसे कि बोले थे पंडित जी का पहला बात जो था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और थोड़ी देर इधर उधर टहलना। तो राजा उठ गए एकदम से। तो क्या हुआ, वो जाके अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि वो देखे कि माता लक्ष्मी जो बैठ के रो ही रही है। तो उन्होंने जाके माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और पूछे, माता अब क्यों रो रहे हो। तो उस टाइम माता लक्ष्मी ने बोली कि बेटा तेरा तो अभी मृत्यु हो जाएगा, 2 दिन के बाद तेरा मृत्यु हो जाएगा, मैं क्या करूँगी यहाँ पर रह के, मेरा पूजा कौन करेगा, मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगी। तो राजा अचानक से मतलब चुप हो गए, फिर सोचे, फिर बोले कि माता अभी 2 दिन तो मैं जिंदा हूँ, आप 2 दिन के लिए रुक जाइए, जब मैं मर जाऊँगी तब आप मुझे छोड़ के चले जाना। तो माता लक्ष्मी भी बोले कि हाँ ठीक है मैं अभी रुक जाती हूँ। तो वो रुक गए। तो फिर मतलब उस टाइम माता लक्ष्मी को वो पूछे थे राजा कि माता मेरी मृत्यु कैसे होगी, मेरा मृत्यु किस तरीके से होगा। तो उस टाइम माता लक्ष्मी ने बोली कि पूर्व दिशा से एक नागराज आएगा और तुम्हें दस्त देगा जिसके वजह से तुम्हारी मृत्यु होगा। तो पंडित जी का दूसरा बात था कि अपनी दुश्मन को भी दोस्त की तरह ही ट्रीट करना। तो
तो वो क्या किए कि उनको पता चला कि उस दिशा से आ रहे हैं, पूरब की दिशा से, तो वो क्या किए उस दिशा में बहुत सारे ढेर सारे फूल लगा लिए, जैसे कि दूध के कटोरी रख दिए, तो उनकी स्वागत के लिए ऐसे दिया लगाए हुए थे, धूप भी दे रहे थे। तो उनकी मतलब जैसे कि एक सांप को जो जो सारी चीज़ें अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें वो करके रखे थे। तो जिस मुहूर्त में बोले थे, मतलब जिस समय पे बोले थे माता लक्ष्मी ने, उसी समय भी वही नागराज का आना हुआ। तो वो देखे कि इसको पता था कि मैं उसे दसने वाली हूँ, आज मेरी वजह से ही उसका मृत्यु हो जाएगा, मैं उसकी मृत्यु के कारण बनूंगी, फिर भी वो इंसान किस तरीके से मेरा स्वागत कर रहा है। ये देख के वो अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हें मतलब मारने वाली हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु के कारण बनूंगी, फिर भी तुमने मतलब इतनी अच्छी मतलब तरीके से मेरी स्वागत, जैसे स्वागत टाइप का तुम किए हुए हो, तुम चाहते तो मुझे मारने की भी कोशिश कर सकते थे। तो राजा ने हाथ जोड़ के बोला नागराज से, जो मेरे तकदीर में है वो तो होगा ही, तो आपका भी तो वो आदेश था यमराज से कि आप आके मुझे मारोगे, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो समय का है। तो उसी के लिए उनकी वो बात सुन के नागराज एकदम से प्रसन्न हो गए और वो क्या किए ना, वो बोले मैं तुम्हें मतलब आशीर्वाद कर दूंगी, मेरा आयु भी तुम्हें लग जाए। तो उस हिसाब से तो राजा का मृत्यु टल गया। तो ये जो सारी चीज़ थी कि मतलब मृत्यु हो जाएगा राजा का, तो इस बात को दिमाग में रख के उन्होंने क्या किए थे कि बोले थे अपनी जो राजकुमारी थी वो अपनी रानी को बोले थे कि हमारी जो राजकुमारी है इसको आप लड़के के तरह सजा के एकदम से रखना, ताकि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई आपके ऊपर आक्रमण ना कर पाए कि एक लड़का आपके सपोर्ट के लिए है बोल के। तो उसी के लिए वो क्या किए थे ना, अपनी जो राजकुमारी थी उसको एकदम से लड़के की तरफ, एक युवराज की तरह उनको सजा के रखे हुए थे। और ये जो सारी प्रक्रिया चल रही थी, वो लोग दुख में भी थे, तो ऐसे बात करते करते उनका आंख लग गया था रानी और राजकुमारी की। तो राजा ये सारे कार्यक्रम जब खत्म हो गया, जब नागराज भी लौट गए इनको मतलब आयु का वरदान दे के, तो उसके बाद क्या हुआ, राजा गए रानी के पास तो तुरंत से देखे कि किसी पराये मर्द के साथ सोया हुआ है। ऐसे पहले से सोच के एकदम से गुस्सा हो गए और प्राग एकदम से अपना तलवार निकाल ली। तो उस समय में वो जो पंडित जी का बात था वो उनको याद आया कि पंडित जी ने बोले थे कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्से के टाइम पे कोई भी मतलब डिसीजन नहीं लेना है। तो उस बात को उन्होंने याद किया। तो उस समय क्या हुआ कि वो थोड़ी देर चुप रह गए, शांत रह गए, अपने जो तलवार निकाले हुए थे वो अंदर में रख लिए और फिर थोड़ी देर सोचने लगे। तो उस समय में जब तलवार वो निकाले हुए थे तो एक मतलब साउंड होता है ना, उसी की वजह से रानी का आंख खुल गया। तो उस टाइम मतलब बोले कि मतलब क्या हुआ राजा बोल के, तो वो अपनी मतलब पूछे उनको, तो उस समय राजा बोले कि ये पराये मर्द कौन है। तो उस समय रानी बोली कि ये हमारी ही बेटी है, तो जो आप इस तरीके से हम लोग बात किए थे ना कि मतलब इसको आप लड़के के तरह सजा के रखो, तो इस हिसाब से मतलब फिर राजा सोचे कि हाँ मैं तो ऐसे बोली थी, सॉरी मैं तो ऐसे बोला था, ऐसे बोले। तो फिर अगले दिन क्या हुआ, पंडित जी आए। तो उस समय वो राजा को रियलाइज़ हुआ कि पंडित जी का जो बात था उसका असर किस तरीके से उनके जीवन में मतलब रंग लाया। तो उसी उसी हिसाब से इन मतलब जीवन से ज़्यादा मूल्यवान क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो जो पंडित जी का बात था वो 3 लाख स्वर्ण मुद्रा से कहीं ऊपर था। तो उसी के लिए राजा एकदम खुश होके उनको वो 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो कहानी यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।